नमस्कार सभी किसान भाई और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप देख सकते हो आज हम रिव्यू करेंगे 56 ट्रैक्टर के बारे में, जो कि इनका 65 हॉर्स पावर की श्रेणी का ट्रैक्टर है। पहला टायर से शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के। इसमें देख सकते हो 7/50/16 के टायर मिल जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर। इसमें 6/50/20 के ले सकते हो आप ट्रैक्टर के अंदर, और पीछे 16/28 और 16/30 दोनों ट्रैक्टर में ऑप्शन मिल जाएंगे। 16/30 में खड़ा इसका 4x4 भी ट्रैक्टर आता है। अगर आपको उस ट्रैक्टर की वीडियो मिल चुकी है पहले तो आपने वो देख ही लिया, वो नहीं मिली तो आपको मिल जाएगी, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। देख सकते हो 56 इधर खड़ा 4x4 में, कैनोपी के साथ ट्रैक्टर मिलता है, टॉप मॉडल ट्रैक्टर में आते हैं। हम बात कर लेते हैं इसके एक्सल की, तो उसमें देख सकते हो इसका जो आगे एक्सल मिल जाता है वो ग्लोबली मिलेगा, यानी कि आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी खेती के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इस ट्रैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं आगे की वेट की, तो 60-70 किलो के लगभग का वेट कंपनी फिट मिल जाता है, जो कि सीएनएच कंपनी का। सीएनएच आगे की बात कर लेते हैं इसकी पावर स्टीयरिंग की, तो इसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, जो कि इसका देख सकते हो कितना अच्छे ग्रुप्स के साथ मिलेगा। प्रो लेंथ की बात कर लेते हैं तो ट्रैक्टर की, वो मिलेगी आपको 3490 mm का ट्रैक्टर मिलेगा, 3500 के लगभग है। और इस ट्रैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं चौड़ाई की, तो ट्रैक्टर ये मिलेगा आपको 1690 mm, और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो लगभग 2400 mm ट्रैक्टर ऊंचाई है इसकी। और हाइट अगर हम इसकी वेट की बात कर लेते हैं तो लगभग ये ट्रैक्टर मिलेगा आपको 22.5 क्विंटल का। तो और इस ट्रैक्टर की मैं ओवरऑल व्हील बेस की बात कर लेते हैं तो 2040 mm की व्हील बेस ट्रैक्टर की मिलेगी, ठीक है ना। तो ये इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन थी। अब जैसे हम इंजन की उस पर आ चुके हैं स्पेसिफिकेशन पर, तो उसमें पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इंटरकूलर भी मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना, डीजल ऑयल फिल्टर के साथ, डीजल कूलर के साथ, और रेडिएटर मिल जाएगा 8 इंची। इसमें देख सकते हो डुअल एलिमेंट के साथ इसमें एयर क्लीनर मिल जाता है, और इसमें देख सकते हो इधर की तरफ कूलेंट बॉक्स इधर मिल जाएगा, और इसमें 6 पंखड़ी मिल जाती है जो कि सिल्वर में होती है। और सिल्वर में होने का बेनिफिट ये है, ट्रैक्टर हमारा कितना भी हीट हो जाओ पंखड़ी सीधी नहीं होती क्योंकि प्लास्टिक की नहीं है, और ये बैरिंग को भी ख़राब नहीं करती क्योंकि ये एलुमिनियम है, तो हल्की पंखड़ी होती है। पूरा ट्रैक्टर पावर पैक्ड है बिल्कुल एकदम, कोई भी ट्रैक्टर के कमी नहीं है, और बिल्कुल ट्रैक्टर को सील कर रखा है। अगर हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर की, तो इधर देख सकते हो काफ़ी हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर मिल जाता है, जो कि इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। दो इसमें पंप मिल जाते हैं, जो कि एक पास्टिंग पंप है, एक इसमें हाइड्रोलिक पंप है। रोटरी पंप मिल जाता है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है अपना, पूरा 3 सिलेंडर होने का बेनिफिट ये है, क्योंकि इसमें जो इंजन मिलता है वो इनका बहुत ही जाना माना ट्रैक्टर का इंजन है, जो कि 3630 से लेकर के और इनके 65 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर में ये मिलता है। S8000 सीरीज का इंजन है इस ट्रैक्टर के अंदर, जो कि रोटरी पंप के साथ मिल जाता है। दो डीजल ऑयल फिल्टर है, डीजल ऑयल फिल्टर है, एक इधर देख सकते हो। टर्बो चार्ज इंजन है, 2 इंची या 3 इंची टर्बो होगी ये मैं पक्का नहीं बताता आपको, लेकिन होल सेट की इसमें टर्बो मिल जाती है, और पावर स्टीयरिंग का ऑयल इसमें डिफरेंट मिल जाता है, गियर बॉक्स नहीं लेता, इसका बेनिफिट होता है हमारा ट्रैक्टर लंबे समय तक बेहतरीन वर्क करता है, पावर स्टीयरिंग कभी जल्दी से ख़राब नहीं होता। अगर हम इसकी इंजन की पूरी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 65 HP का ट्रैक्टर है, 2300 rated RPM में, और जी 2931 cc का इंजन है ट्रैक्टर का। 60 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है, जो कि फाइबर का, इसका फाइबर कौन का बेनिफिट ये होता है, एक तो कभी भी ट्रैक्टर के अंदर मॉइस्चर नहीं बनता, जंग नहीं आता, इससे हमारे इंजन के पंप की और इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। एक यहाँ फिल्टर मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर, डीजल फिल्टर, वाटर सेपरेटर, दो डीजल फिल्टर, उसके बाद जब जाकर हमारा ऑयल पहुँचेगा इंजन के अंदर। ऑयल डिम्पी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ठीक है ना, ड्राई टाइप भी मिल जाएंगे, हाफ पैर के एक्सलेटर है, और डिफरेंशियल लॉक के साथ साथ ट्रैक्टर, दो एक्सलेटरी वाल्व है, उन्हें चलाने के लिए लीवर है ब्लैक कलर का, साइड शिफ्टिंग फुल्ली सिंग कॉन्स्टेंट मैक्स गियर बॉक्स मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसकी सीट इतनी डिलक्स है, इतनी आरामदायक है, और इसमें दोनों साइड में हैंड रेस्ट भी मिल जाते हैं आपको ऊपर बैठने के लिए, कैनोपी के साथ ट्रैक्टर मिल जाता है, और इसमें देख सकते हो इंजन ऑयल फिल्टर इधर मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, जो कि ये भी कूल होता है, देख सकते हो इधर फैन लग रहा, ये फैन के अंदर जो कूलेंट चलता है वो देख सकते हो, इधर रेडिएटर सारा देख सकते हो, ये रेडिएटर का पाइप है, इसमें से कूलेंट आता है जो कि इसे ठंडा करता है, ऑयल को इंजन में जो ऑयल रहता है वो हमेशा ठंडा रहता है, टर्बो में जो ऑयल घूमता है उसके लिए पाइप पीरा, ठीक है ना। फुट स्टेपर मिल जाता है, फ्लैट प्लेटफॉर्म जो मिलता है आपको इसमें ऊंचा मिलता है, और फ्लैट तो नहीं मिलता क्योंकि इसमें बीच में हम्प मिल जाता है काफ़ी बड़ा। डबल क्लिच ट्रैक्टर है ये, आपका ग्राउंड के लिए होगा क्लिच, ये आपका पीटीओ के लिए क्लिच हो गया, साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स है, और 12+3 UG के साथ गियर बॉक्स मिलेंगे इसमें, CR भी ले सकते हो यानी कि क्रीपर भी ले सकते हो, और अपग्रेड भी गियर बॉक्स में ले सकते हो, 15 गियर बॉक्स के साथ ट्रैक्टर है। पीछे चलते हैं ट्रैक्टर के बारे में, और फिर ऊपर से इसकी स्टार्टिंग दिखाऊंगा,
अगर हम बात कर लेते हैं इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी ट्रैक्टर की है। एक इसमें देख सकते हो हाइड्रोलिक सिलेंडर मिल जाता है जो कि इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी को बूस्ट कर देता है। और इसमें देख सकते हो तीन तीन इसमें लिंकेज मिल जाते हैं टॉप लिंक के लिए, प्लस कमानी का पट्टे के साथ साथ जो कि जबरदस्त लिंक सेंस कराता है। इसमें देख सकते हो दो दो इसमें हाइड्रोलिक वाल्व मिल जाते हैं ग्रीन कलर के। और इसके पीटीओ की अगर एचपी की बात कर लेते हैं तो 57 एचपी पीटीओ मिल जाती है इस ट्रैक्टर में। 9 महीने 2021 का ट्रैक्टर बना हुआ है, आपको सब कुछ दिख रहा होगा। एक इसमें हैलोजन वो रिफ्लेक्टिंग लाइट मिल जाती है बोतल होल्डर के साथ साथ हैलोजन बल्ब मिल जाता है जो कि आपको कभी भी रात को या कभी जहाँ पे आपको साफ ना दिख रहा हो पीछे इम्प्लीमेंट जोड़ते टाइम तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। नंबर प्लेट के लिए कंपनी पहली प्रोविजन कर रखी है। वारंटी की बात करें तो न्यू होलैंड सबसे ज़्यादा वारंटी देता है, 6 साल 6000 घंटे की वारंटी देता है। रिवर्स स्पीडेस्ट ट्रैक्टर में मिल जाती है। तो ये इसका पीछे से था कुछ, और इसकी कैनोपी आप देख सकते हो बिल्कुल कितनी हैवी ड्यूटी मिल जाती है। आप इसमें ऊपर से इसकी छतरी को हटा भी सकते हो जो कि ये बस पिलर रह जाएंगे लगे हुए, सारा ही हटाना तो वो भी हटा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप इसको पूरा ना हटाओ तो ज़्यादा अच्छा, ये आपकी सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। अगर भी हमारा भगवान ना करे कोई हमारा प्रोटेक्टर तिरछा या गिर जाए तो इसमें देख सकते हो कितना हैवी ड्यूटी नीचे से ही इसमें ये लगा हुआ मिलता है। और इसमें मरगाट भी हमारे वाइब्रेट नहीं होते, चौड़े नहीं होते, फैलते नहीं, लंबे समय तक हमारा ऐसे का ऐसे ट्रैक्टर चलता है। आइए ऊपर चलते हैं, स्टार्टिंग दिखाता हूँ इस ट्रैक्टर की। तो जैसे हम ऊपर आ चुके हैं, ऊपर आके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूँ, चाबी कहाँ लगती है। इस लॉक की सबसे खास बात ये होती है इसी से ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, इसी से आपको स्टॉप भी ट्रैक्टर होगा। 2300 रुपये में, लेकिन 2800 दिखा रखी है मीटर में। डिजिटल में सिर्फ इसमें घंटे होंगे, बाकी सारा एनालॉग मीटर होगा ट्रैक्टर। ठीक है ना, हाथ के एक्सलेटर इधर मिल जाती है इस ट्रैक्टर में, और साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स है इस ट्रैक्टर में, सेंट्रल में नहीं मिलती। हाई लो मीडियम के साथ ट्रैक्टर मिलता है आपका, और डबल क्लिच में पीटीओ क्लिच बॉक्स ये रहा इधर। और इसमें देख सकते हो तो ऑटोमेटिक लिफ्ट मिल जाती है जो कि हमारी एक समान खेती को कराती है। जैसे भी हमने सेट कर दिया, आप एक लीवर से लिफ्ट गिर सकते हो, एक लीवर से आप लिफ्ट उठा सकते हो, इसका बेनिफिट है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी आपको डीजल खपत बताता हूँ। फुल लोड पर ट्रैक्टर आपको 7 लीटर के लगभग लेगा, लेकिन आपका ज़बरदस्त काम करके देगा ट्रैक्टर। जब तक हमारा ट्रैक्टर न्यूट्रल नहीं होगा, इससे पहले हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ में ट्रैक्टर में डाल दी गई है, सब कुछ पहले हमारा ट्रैक्टर का वो होना चाहिए न्यूट्रल। पावर स्टीयरिंग की स्टीयरिंग कटिंग देख लेते हैं कितनी है। तो देख लेते हो ज़बरदस्त पावर स्टीयरिंग कटिंग कर रहा, टाइप की कुछ इसमें देख सकते हो आवाज़ थी। स्टार्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कम आरपीएम पे ही सेल्फ के ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।